मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में कोरोना के कुल 23 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में कुल 31 मरीज ठीक भी हुए हैं। नए मरीजों के साथ ही प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 254 पहुंच चुकी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि 24 घंटे में कुल 7,205 लोगों के टेस्ट किए गए। प्रदेश का संक्रमण दर 0.32% है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 23 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में नए आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने घरों की ओर जाने वाले 31 लोग हैं। 254 एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के बचे हैं। जो सैंपल लिए गए पिछले 24 घंटे में, वो 7,205 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। संक्रमण दर वर्तमान में मध्य प्रदेश में 0.32 है, जबकि रिकवरी की दर 98.7 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिस का जवान संक्रमित नहीं हुआ है। कुल 2 पुलिस के जवान एक्टिव केस के अंदर वर्तमान में हैं। पिछले 24 घंटे में जो वैक्सीन लगी है, वो 1,180 लोगों को वैक्सीन लगी है, और अभी तक कुल जो वैक्सीनेशन हुआ है वो 11,82,94,228 लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। 16 मई को हर साल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा डेंगू दिवस मनाया जाता है। किसी भी दिन को मनाने के पीछे का कारण उस बीमारी को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा करना होता है। भारत में डेंगू का एक समय आता है जब इस बीमारी का खतरा रहता है, और यह बीमारी मानसून के समय आती है। इसी समय सबसे ज्यादा लोग इस बीमारी से पीड़ित होते हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भोपाल में जेपी अस्पताल पहुंचे और डेंगू दिवस पर साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिल रैली में बड़ी संख्या में युवा और बच्चों ने भी भाग लिया। साइकिल रैली लोगों को डेंगू से बचाव का संदेश देगी।